सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का रिकैप दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बॉलिंग खेलने के बाद सीबा और ताकेमिची का स्ट्राइक हो जाता है। सीबा कहता है हमने ये साथ किया। ताकेमिची उसकी हाइट देखकर चौंक जाता है। वो दोनों सोचते हैं शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सीबा कहता है कहीं तुम ताकेमिची तो नहीं, क्या तुम भूल गए तुम कैप्टन हो, मैं सेकंड डिवीज़न का वाइस कैप्टन। सीबा हक्काई। ताकेमिची कहता है क्या तोमान की सेकंड डिवीज़न। तभी वहाँ खड़ी लड़की सीबा को कहती है कब तक तुम बॉलिंग खेलोगे, क्या कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास। सीबा कहता है जब तक मैं 10 बार स्ट्राइक ना कर लूँ तब तक मुझे लगता नहीं मैंने बॉलिंग करी है। तभी ताकेमिची को पता पड़ता है कि ये बंदा तो ब्लैक ड्रैगन का मेंबर है। सीबा कहता है मेरे कैप्टन ने तुम्हारे बारे में मुझे काफ़ी बताया है। फिर भी ताकेमिची इसी सोच में है कि ये ब्लैक ड्रैगन टीम का मेंबर तोमान में क्या कर रहा है। सो समझते हैं ये पूरी कहानी। सो एपिसोड नंबर 26 नेम है गॉट टू गो। अब हमें फिर से वो सीन दिखाए जाते हैं जहाँ ताकेमिची और काजुतोरा कार में बैठकर बात कर रहे होते हैं। काजुतोरा बताता है कि सीबा ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर है। अफवाह तो ये भी है कि इसी ने इसकी टीम के पिछले लीडर को रुपयों के चक्कर में मारा था और अब ये उनका लीडर बन बैठा है। सो अब पास्ट में आया हुआ ताकेमिची कहता है ये वही बंदा है जिसके बारे में काजुतोरा ने मुझे बताया था। अब हिना बोल पड़ती है कि ये कितना लंबा और पतला है। इस चीज़ से ताकेमिची थोड़ा ऑफेंड होता है। अब सीबा फिर से स्ट्राइक कर देता है। भाई काफ़ी एक्सपर्ट है गेम में, लेकिन हमारा ताकेमिची भी कम नहीं है। बॉल लेकर वो भी स्ट्राइक कर देता है। कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई का। अब ये चीज़ वो बार बार करते हैं, बॉल उठाओ स्ट्राइक करो। तभी हिना कहती है ये सीबा की बॉल थोड़ी हार्ड लग रही है। तभी सीबा की फ्रेंड कहती है हाँ क्योंकि ये यहाँ की सबसे भारी बॉल है जो ये यूज़ कर रहा है। 18 pounds की है ये बॉल जो केवल प्रो ही यूज़ कर सकते हैं। अब वो अगले गेमिंग सेक्शन की तरफ जाते हैं जहाँ वो पंच वाला गेम खेलते हैं। ताकेमिची एवरेज पॉइंट करता है जहाँ सीबा फुल पॉइंट करता है। ये चीज़ तो हमें मालूम पड़ गई कि वो सभी गेम्स में काफ़ी माहिर है। सीबा ताकेमिची के रिएक्शंस देखकर उसका दोस्त बन जाता है। वो उसे अपने प्लेस पर भी बुलाता है। तभी हमें पता पड़ता है कि वो लड़की सीबा की फ्रेंड नहीं उसकी बड़ी बहन है। वो कहती है तुम काफ़ी कमज़ोर हो पर तुम तोमान के कैप्टन कैसे बन गए। सीबा तुमसे काफ़ी तेज है। हिना भी इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगती है। सीबा एकदम से शांत हो जाता है। वो कहता है ये कैप्टन बनना भी एक सरदर्द है, काफ़ी सारी बंदिशें लग जाती है कैप्टन बनने के बाद, जबकि मुझे तो फ्री घूमना पसंद है। हिना भी इस बात से श्योर थी। वो फिर से शांत हो जाता है। तब उसकी बड़ी बहन बताती है कोई दूसरी लड़की उससे बात करे तो वो फ्रीज हो जाता है। अब इस चीज़ को देखकर उसे शक होने लगता है क्या ये बंदा सही में ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनेगा, लेकिन ये बुरा आदमी तो नहीं लग रहा। लेकिन फिर अगले 12 साल में क्या होगा इसे। ताकेमिची सीबा से पूछता है क्या तुम मित्सुआ से मिले। वो कहता है मैं उससे जुड़ सा गया हूँ, वैसे भी हम सेम एज के हैं। ताकेमिची शौक हो जाता है। सो फाइनली हमें उस लड़की का नाम पता पड़ता है युजुहा। सीबा कहता है मेरी बहन ने मुझे सिखाया गैंग मेंबर कैसे बनते हैं और मित्सुआ तो अपना बड़ा भाई है, वो सही में मेरे बड़े भाई से भी बढ़कर है। युजुहा दिखाती है देखो ये मित्सुआ से इतना प्यार करता है कि उसने अपने सेल फोन में उसी का वॉलपेपर लगा रखा है और मैंने इसका। ताकेमिची सोचता है मित्सुआ फ्यूचर में गायब हो जाएगा, कहीं यही तो नहीं उस सब के पीछे। लेकिन फ्यूचर वाला सीबा इस वाले से काफ़ी डिफरेंट है, क्या शायद उसे कुछ हुआ था। सो चलते वक्त उन्हें एक टीम दिखती है जिसका नाम ब्लैक ड्रैगन होता है। युजुहा कहती है ये बुरा हुआ हमारा भाई यहाँ आ गया है। सीबा ताकेमिची को वहाँ से जाने को कहता है। तभी वहाँ कोको नाम का बंदा आता है। ताकेमिची कहता है मैं गलत नहीं हूँ तो ये ब्लैक ड्रैगन का बंदा है, कहीं ये टीम ब्लैक ड्रैगन ही तो नहीं। कोको कहता है ये बंदा कौन है। तभी उनका एक मेंबर कहता है ये तोमान के 1st Division का कैप्टन है। इस बात से कोको गुस्सा हो जाता है। कोको कहता है क्या तुम ही हो वो फेमस ताकेमिची, ये हमारा एरिया है और हमारे बॉस ने ये कहा है यहाँ जो भी दूसरे गैंग का मेंबर आए उसे ख़त्म कर दो। इनुई उन्हें कमांड देता है जाओ इसे पकड़ो। तभी सीबा कहता है रुको ये मेरा दोस्त है। तभी कोको कहता है क्या हुआ अगर ये तुम्हारा दोस्त है, इसे एक बात जान लेनी चाहिए हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। तभी सीबा एक बंदे को मुंह पर पंच मार देता है और कहता है कहाँ ना भाग जाओ। सीबा बताता है
इस टीम का लीडर हमारा बड़ा भाई ताइजू है। इनुई सिबा के गले पर चाकू रख देता है, जिसे देखकर युजुआ उसे लात मार देती है। ताकेमिची वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वहाँ ताइजू आ जाता है और ताकेमिची को मारता है। या तुम मेरे बिना ही सारा मजा लूट लोगे, ऐसा कहकर वो ताकेमिची को काफ़ी मारता है। वो पूछता है, वैसे ये बंदा कौन है? वो बताते हैं कि ये तोमान का एक मेंबर है। इस बात को सुनकर वो उससे ज़बरदस्त लात मारता है। वो सिबा को उसे मारने के लिए कहता है। सिबा काफ़ी डर जाता है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके काफ़ी एपिसोड आने वाले हैं तो उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।